हेलो एवरीवन, आज हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम का न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। इस सिंपली सपोर्टेड बीम का डायग्राम चित्रानुसार दिखाया गया है। इस सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है और पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है। पॉइंट सी पर एक 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी तरीके से पॉइंट डी पर 15 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एसी डिस्टेंस की वैल्यू 2 मीटर है, सीडी की 3 मीटर है और डीबी की 1 मीटर है। क्योंकि यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, तो पॉइंट ए पर जो अननोन रिएक्शंस होगी उसमें रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, रिजल्टेंट रिएक्शन और रिजल्टेंट रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फ़ा हमें कैलकुलेट करना है। यानी हमें RAH, RAV, RA और अल्फ़ा, ये चार चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम AB, जिसमें कि पॉइंट ए पर हिंज सपोर्ट है, अननोन रिएक्शंस कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें रिएक्शन के चार कंपोनेंट कैलकुलेट करने होंगे। पॉइंट बी पर रोलर सपोर्ट है, जिसमें कि जो रिएक्शन होगी वो केवल वर्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर क्योंकि हमें पता नहीं है कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे जो रिएक्शंस हैं उसकी वैल्यूज़, उसका मैग्नीट्यूड कितने होंगे, हम ये मान के चलते हैं कि सभी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। यानी आर एच की वैल्यू प्लस पॉजिटिव होगी, आर ए बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, आर बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये वैल्यूज़ नेगेटिव आती है तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट जो पॉइंट सी पर पॉइंट लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो इसमें जिधर एंगल है उधर कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, जिधर एंगल नहीं है वहाँ पर साइन कंपोनेंट आ जाएगा। यानी 10 किलो न्यूटन के पॉइंट लोड को हम 10 कॉस 30 और 10 साइन 30 दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। 10 कॉस 30 जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा और 10 साइन 30 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से जो 15 किलो न्यूटन का लोड है, पॉइंट लोड है, उसमें 15 कॉस 45 राइट साइड में आएगा और 15 साइन 45 वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब हम इसमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लगाते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस, इसमें हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा एम इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हम जो इक्वेशन लगाते हैं वो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो में क्या होता है कि इस बीम के ऊपर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सभी फोर्सेज के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट करने हैं और उसका अलजेब्रिक समेशन कर देना है। अगर कंपोनेंट हमारा राइट साइड में है तो उसको हमें प्लस साइन के साथ लिखना है, अगर कंपोनेंट हमारा लेफ्ट साइड में है तो उसे माइनस साइन के साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट ए पर जो अननोन रिएक्शन है RAH, हमने क्योंकि उसको माना है कि वो राइट साइड में दिखा रहे हैं, तो उसको हम प्लस साइन के साथ लेंगे। अगर आंसर नेगेटिव आता है हमारा तो हम उसको डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी RAH को हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। तो इसी तरीके के पॉइंट सी पर जो पॉइंट लोड है वो एक्चुअली में क्या है कि वो पॉइंट, उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो पॉइंट सी है। जो क्रिया बिंदु है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट सी है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसको अलग से हमने इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया हुआ है। तो 10 cos 30 क्योंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस साइन के साथ लिखेंगे। इसी तरीके से जो 15 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15 cos 45 वो राइट साइड में है, तो उसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे। यानी जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो RAH माइनस 10 cos 30 प्लस 15 cos 45 इजिकल टू जीरो बनेगी। ये इक्वेशन नंबर वन होगी। इस इक्वेशन नंबर वन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें RAH की वैल्यू माइनस 1.95 किलो न्यूटन मिलेगी, क्योंकि आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है। इसलिए क्योंकि तो इसका मतलब ये है कि हमने RAH की जो डायरेक्शन मानी थी वो सही नहीं है, यानी इसको हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। फिर हम सिग्मा एफ आई इजिकल टू जीरो करेंगे, जिसमें कि हम जितने भी फोर्सेस हैं उन सभी के वर्टिकल कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक समेशन जीरो करेंगे। यानी पॉइंट ए पे जो अननोन रिएक्शन है आर ए बी वो लेंगे हम, पॉइंट बी पर जो अननोन रिएक्शन है आर बी वो लेंगे, दोनों अपर डायरेक्शन में है। अब हमें पता नहीं है कि इनका आंसर प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, हम मान के चल रहे कि इनका आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। तो आर ए बी प्लस आर बी, और इसी तरीके से पॉइंट सी पर जो पॉइंट लोड है वो 10 साइन 30 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, पॉइंट डी पर जो 15 साइन 45 पॉइंट लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इक्वेशन जो बनेगी इसकी वो होगी आर ए बी प्लस आर बी माइनस 10 साइन 30 माइनस 15 साइन 45 इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी, जो कि सिग्मा एफ आई इक्वल टू जीरो के अकॉर्डिंग है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है आर ए बी प्लस आर बी इक्वल टू 15.65। थर्ड इक्वेशन है हमारी सिग्मा एम इक्वल टू जीरो, यानी पॉइंट इस बीम के जो पॉइंट ए है उस पर जितने भी फोर्सेज
पॉइंट ए है उसके उस पर हमें समेशन ऑफ मोमेंट्स जीरो करना है, यानी इस बीम के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी फोर्सेस की वजह से हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है, उनका एलजेब्रिक समेशन करना है। ये जो मोमेंट हमें लेना है ये पॉइंट ए के अबाउट लेना है और उसका एलजेब्रिक समेशन जीरो के इक्वल करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉइंट ए है उसमें रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट, एक्चुअली क्या है कि इनका पॉइंट ऑफ रिएक्शन आर ए का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो पॉइंट ए है। आर एच और आर ए भी दोनों पॉइंट ए से पास कर रहे हैं, तो इन दोनों की वजह से जो रिएक्शन होगी मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट सी पर अगर हम देखें तो जो पॉइंट लोड है 10 kN का, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 cos 30 वो भी पॉइंट ए से पास कर रहा है। उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट एक से पास कर रही है, 10 cos 30 की वजह से जो मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा और 10 sin 30 की वजह से जो पॉइंट एक अबाउट मोमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा। इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो हमें उसको उसके साथ माइनस साइन लगाना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा तो हमें उसके साथ प्लस साइन लगाना है। यानी जो हम मोमेंट लिखेंगे वो हम लिखेंगे -10 sin 30 इनटू डिस्टेंस पॉइंट सी की पॉइंट ए से डिस्टेंस 2 इनटू 2। इसी तरीके से जो 15 kN का पॉइंट लोड है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 15 sin 45 है, इसकी पॉइंट डी की जो पॉइंट ए से डिस्टेंस है वो 2+3 यानी 5 मीटर है। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है तो इसके साथ माइनस साइन लगाना, यानी -15 sin 45 इंटू डिस्टेंस लेनी है हमें 5। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 15 cos 45 उसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास कर रही है, इसकी वजह से मोमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक, नेक्स्ट जो रिएक्शन आर भी है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रही है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बना रही है इसलिए इसकी वजह से जो पॉइंट एक अबाउट इसकी जो रिएक्शन होगी मोमेंट होगा इसका वो आर बी इंटू 2+3+1 यानी 6 = 0 होगा। यानी फर्दर फाइनली जो इक्वेशन बनेगी पॉइंट ए के अबाउट सिग्मा MA = 0 की वो बनेगी आर एच और आर बी की वजह से तो मोमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बनेगी -10 sin 30 × 2 फिर -15 sin 45 × 5 प्लस आर बी इंटू 6 = 0। फिर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है रिएक्शन आर बी की वैल्यू आ जाती है। इस आर बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर टू में पुट करने के बाद हमारे पास जो है रिएक्शन आर ए बी की वैल्यू आ जाती है। फिर हमारे पास पॉइंट ए पे जो रिजल्टेंट रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करते हैं √RA² + RAB² कैलकुलेट करने के बाद आर ए का जो आंसर आता है वो हमारे पास 5.47 kN आ जाता है। फिर हम रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कैलकुलेट करेंगे tan α = RAB/RH, तो इसमें हम आर ए बी और आर एच की वैल्यू रखेंगे 5.11/1.95, तो tan α = 2.62 α = tan inverse 2.62 α = आ जाएगा 69.11 डिग्री। इसमें हम देखते हैं क्योंकि आर एच हम की डायरेक्शन जो हमने मानी थी उसके अपोजिट आई है तो उसके हम डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, आर ए बी की डायरेक्शन सेम है और रिएक्शन आर ए जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा एंगल है जिसकी वैल्यू 69.11 डिग्री है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई है उसमें एक हिंज सपोर्ट है, एक पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है, एक पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है, तो हमें उसमें जो हिंज सपोर्ट है उसमें टोटल 4 components कैलकुलेट करने होते हैं और जो रोलर सपोर्ट है उसमें हमें केवल एक कंपोनेंट कैलकुलेट करना होता है यानी आर बी। यानी जो हिंज सपोर्ट है उसमें रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी आर एच, रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट यानी आर ए बी, रिजल्टेंट रिएक्शन यानी आर ए, रिजल्टेंट रिएक्शन आर ए का आर एच के साथ एंगल यानी अल्फा, और जो पॉइंट बी है उसमें जो रोलर सपोर्ट है उसमें केवल रिजल्टेंट जो केवल रिएक्शन आर बी कैलकुलेट करनी होती है, यानी टोटल हमें 5 components कैलकुलेट करने होते हैं। अगर हमें सिंपली सपोर्टेड बीम को सोल्व करना है तो हमें बिना बताए इन सभी कंपोनेंट्स को हमें सोल्व करना होगा, यानी कि हमें खाली आर बी सोल्व करके दिखा दिया और आर ए सोल्व करके दिखा दिया, हमें आर एच निकाल कैलकुलेट करना होगा पहले, फिर आर बी कैलकुलेट करना होगा, फिर रियल रिएक्शन आर ए कैलकुलेट करनी होगी, फिर एंगल अल्फा कैलकुलेट करना होगा, उसका डायग्राम भी दिखाना होगा और रिएक्शन आर बी भी कैलकुलेट करनी होगी। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से एक क्वेश्चन था जिसमें कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी हुई थी और उसके ऊपर 2 point load लगे हुए थे जो कि इंक्लाइंड थे। तो इस तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसी चैनल पर, आप जुड़े रहें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस बीम के को न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स इसी पर मैं अपडेट करता रहूँगा, इसको आप देखते रहिए। थैंक यू, ओके।